गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों एवं डीएलएड प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का यह वीडियो डीएलएड बैक पेपर की परीक्षा पर आधारित बनाया गया है, तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। डीएलएड बैक पेपर की परीक्षा अब यूपी विधानसभा चुनाव बाद, यानी डीएलएड बैक पेपर परीक्षा जो है वह यूपी के विधानसभा चुनाव बाद होगी। आइए देखते हैं इसमें है क्या। डीएलएड एग्जाम 9 से 18 फरवरी तक प्रस्तावित डीएलएड की परीक्षा हुई स्थगित। डीएलएड बैक पेपर की परीक्षा अब यूपी विधानसभा चुनाव बाद। डीएलएड प्रशिक्षुओं को झटका, चुनाव बाद ही होगी परीक्षाएं। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे प्रशिक्षु छात्रों को झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के कारण 2017 एवं 2019 द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की 9 से 18 फरवरी तक प्रस्तावित डीएलएड परीक्षा स्थगित हो गई है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश, चुनाव बाद परीक्षा की नई समय सारिणी जारी होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जारी निर्देश में कहा है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए विद्यालय पोलिंग बूथ होने के कारण व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के निर्देश के क्रम में परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। चुनाव के बाद अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। इसी अवधि में डीएलएड की परीक्षाएं प्रस्तावित थी। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में 9 से 18 फरवरी तक आयोजित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के कारण 2017 एवं 19 द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की 9 से 18 फरवरी तक प्रस्तावित डीएलएड परीक्षा स्थगित कर दी हो गई है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश क्रम में यह परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। चुनाव बाद नई समय सारणी जारी होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जारी निर्देश में कहा है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए विद्यालय पोलिंग बूथ होने के कारण व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में गतिमान विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड परीक्षा फंस गई। ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए नई समय सारणी बाद में जारी की जाएगी। प्रदेश में पाँचवें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में 11 जिलों के लिए 10 फरवरी को और दूसरे चरण में 9 जिलों के 10 फरवरी को मतदान होना है। इसी अवधि में डीएलएड की परीक्षाएं प्रस्तावित थी। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में 9 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। डीएलएड के विभिन्न सत्रों एवं सेमेस्टर की 9 से 18 फरवरी तक प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए विद्यालय पोलिंग बूथ होने के कारण अच्छी ख्याति वाले परीक्षा केंद्र की उपलब्धता, अधिकारियों कर्मचारियों के चुनाव कार्य में ड्यूटी होने के कारण व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के निर्देश के क्रम में परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। चुनाव के बाद अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। परीक्षा स्थगित होने से बैक पेपर के तकरीबन 25,000 प्रशिक्षुओं को इंतजार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह वीडियो डीएलएड के बैक पेपर पर आधारित था। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।